जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नौकरी देते हैं तो विपक्ष को भ्रष्टाचार दिखाई देता है और वे पूछते हैं कि बताएं किसी ने नौकरी के लिए घूस दिया है क्या। मुख्यमंत्री जी बताता तो कोई यह भी नहीं है कि उसने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए घूस दिया है, पर घूस तो ली जाती है, यह तो तथ्य है। डीसी का फोन सीओ अटेंड नहीं करते हैं, डीसी आदेश देते हैं तो सीओ नहीं मानते हैं, ऐसी दो घटनाएं पिछले दो दिनों में मेरे सामने हुई हैं। एक मंत्री के एक निजी सचिव बता रहे थे कि एक जरूरतमंद आदमी के काम के लिए उन्होंने सीओ को फोन किया, सीओ ने एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने डीसी को फोन किया, डीसी ने उस सीओ को फोन किया, बाकायदा आदेश दिया और आदेश देने के अगले दिन वो आवेदन ही खारिज कर दिया गया। कल मैं एक जगह बैठा था एक विधायक जी के यहाँ, वहां एक सज्जन आए, म्यूटेशन नहीं कर रहा है सीओ। विधायक जी ने डीसी को चार दिन पहले कहा था, उसके बावजूद नहीं किया। उसके बाद वो सज्जन सीओ के पास गए, सीओ से कहा तो उन्होंने कहा कि डीसी ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया, डीसी की तरफ से कोई आदेश ऐसा नहीं आया। विधायक जी ने उसी समय फिर डीसी को फोन लगाया, उनको बताया कि आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। डीसी ने कहा मैं दिखवाता हूं, आज तक उनका काम नहीं हुआ है, ये सरकारी व्यवस्था है, शासन प्रशासन ऐसे ही चल रहा है, सीओ की डायरेक्ट रिपोर्टिंग डीसी के पास है लेकिन काम नहीं होता है, क्योंकि सीओ सीधे ऊपर से अवतरित होकर आते हैं। कैसे आते हैं ये हम भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी शायद नहीं जानते होंगे लेकिन पूरी सरकारी व्यवस्था जानती है, राज्य के सभी लोग जानते हैं। नौकरियों में पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, छात्र सड़कों पर आरोप लगा रहे हैं। विधायक सरयू राय ने कहा कि उनके पास भी एक आदमी का फोन आया था जिसने कहा था कि कोलकाता जाइए और एक दिन वहां बैठिए, वहां एग्जाम दीजिए और वहीं से आपका हो जाएगा, सिर्फ पैसे देने होंगे, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हाथ उठाकर बोलने वाला आदमी चाहिए जो हाथ उठाकर कहे कि सेटिंग हुई है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाथ उठाकर बताइए। जेएसएससी उसी दिन 5 सेंटरों पर परीक्षाएं रद्द करता है, नगर पालिका सेवा समर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की। इन केंद्रों में संत पॉल कॉलेज रांची है जहां पहले दिन हंगामा हुआ था पिछले रविवार को 29 तारीख को, क्वेश्चन पेपर खुले हुए थे, ओएमआर शीट पर हाथ से लिखा हुआ था उसका नंबर। संत थॉमस स्कूल रांची में परीक्षा रद्द हुई, वैली व्यू स्कूल जमशेदपुर में परीक्षा रद्द हुई, विद्या भारती चिन्मया टेलको में नागपुरी की परीक्षा रद्द हुई, डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुसा धनबाद में परीक्षाएं रद्द हुई हैं, संत पॉल में थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द हुई है, संत थॉमस में थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द हुई है, जमशेदपुर के दोनों सेंटरों पर सेकेंड पेपर यानी नागपुरी की परीक्षा रद्द हुई है और धनबाद में फर्स्ट पेपर की परीक्षा रद्द हुई है। ये सिर्फ 5 सेंटर हैं और इनमें कहीं फर्स्ट, कहीं सेकेंड और कहीं थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द हुई है। तो ये क्यों हो रही है, परीक्षाओं को रद्द करने का क्या कारण है? इसके पहले जेएसएससी जेई की परीक्षा रांची के शिवा इन्फोटेक सेंटर में रद्द की गई थी। कहा जाता है कि वहां किसी परीक्षार्थी के पास चुटका मिला था, पुर्जा मिला था जो वो क्वेश्चन सॉल्व करके लाया था, तो बिना क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व कोई कैसे करके लाएगा, ये एक सवाल है। और कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी तभी परीक्षा रद्द की गई थी, यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी इसलिए परीक्षा रद्द की गई थी। तो ये जेएसएससी है, सर्कस है, मजाक है, जोकरों का समूह है, क्या है ये कोई बताने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, वो भी आपसे होता नहीं है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज परीक्षा ले रही हैं, क्या कर रही हैं उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सोच सकते हैं कि ओएमआर शीट पर नंबर ना हो, हाथ से नंबर लिख दिया जाए, परीक्षाओं की कॉपियों की सील खुली हो, सील खुली होने पर तो जेएसएससी ने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन जेएसएससी ने यह नहीं बताया कि ओएमआर शीट पर आखिर मार्कर से हाथ से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी नंबरों को, क्या उनके पास प्रिंटेड ओएमआर शीट नहीं थे? तो यह क्या बताता नहीं है कि इससे गड़बड़ी की कोई आशंका हो सकती है? हर बार जेएसएससी परीक्षा लेता है और हर बार विवाद होता है, बिना विवाद के जेएसएससी की परीक्षाएं
हो नहीं सकती। सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल हो जहां जेएसएससी की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हो गई थी, या नीरज सिन्हा जो झारखंड में पुलिस महानिदेशक रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, एसीबी के भी डीजी रहे हैं, उनके आते आते पहले सीजीएल परीक्षा की तारीख बढ़ाई गई, जेई परीक्षा का सेंटर रद्द हो गया, और अब नगर पालिका परीक्षा का जो पांच केंद्रों पर नगर पालिका परीक्षा के अलग अलग पेपर रद्द हो गए, और अब जो इंटर लेवल की परीक्षा थी स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट की, उसका प्रोसेस भी बंद कर दिया गया। तो जेएसएससी परीक्षाएं ले रहा है, मजाक कर रहा है, सौदेबाजी हो रही है, सीट बिक रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सरकार ने कानून बना दिया और कानून की सबसे पहली गाज उन 15 परीक्षार्थियों पर गिरी जो अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, किसी पेपर लीक करने वाले पर गाज नहीं गिरी, उस परीक्षार्थी पर भी गाज नहीं गिरी जिसके पास कथित रूप से रांची के शिवा इन्फोटेक सेंटर में पुर्जा पकड़ा गया था। गाज किस पर गिरी? उन 15 परीक्षार्थियों पर जो इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे थे कि ओएमआर शीट की सील खुली हुई है, यहाँ मार्कर से नंबर लिखा गया है, उन 15 विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उन पर FIR हो गया। तो ये काम करने का तरीका है कि जो गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसका करियर चौपट हो जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में सेटिंग करेंगे, ये वायरल वीडियो जिसकी आवाज अभी आप सुनेंगे, सुन ही लीजिए पहले। हेलो हेलो, हाँ हाँ, ये हम टेलीग्राम से बोल रहे हैं, वो हम कॉल करने के लिए बोले थे ना, इवनिंग में कॉल करेंगे। हाँ हाँ, ये आपका सेंटर कहाँ पे है? बूटी रोड, बूटी रोड रांची से। हाँ, रांची में ही है ना? हाँ, रांची में। और तो ये रांची का डोमिसाइल है ना आपका? नहीं, जनरल में डाले हैं, बिहार का है। अच्छा, बिहार का है। तो क्या मतलब कि रांची में रहते हो या बिहार में रहते हो? रहते तो इधर ही बोकारो में हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या इसमें इसमें करवाना है इस एग्जाम में? हाँ, करवाना है। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग पटना में ही है, ठीक है, पटना से रांची हम लोग जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ से आएंगे? पटना से हम जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये तुम्हारा 29 तारीख का पेपर है ना? हाँ, 29 तारीख का। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तुमको 27 तारीख को 12 बजे हम लोग वहाँ, मतलब उससे पहले ही 27 तारीख को हम लोग रांची हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो हाँ, 27 तारीख को मतलब कि हम कॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है? और जो है एग्जाम से पहले, यानी कि 29 को एग्जाम है, 28 को रात में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। हाँ, और क्वेश्चन पेपर ये एग्जाम से निकलने के बाद 2 लाख रुपया एडवांस लगेगा, ठीक है? अच्छा हाँ, और जब मेरिट या बन जाएगा, जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, हाँ, तब उसमें 12 लाख लगेगा। अच्छा हाँ, ये रिक्वायरमेंट। तो इस वायरल वीडियो में अपनी आवाज सुनी, इस पर कोई जांच नहीं हो रही है, इस पर कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं होगा, इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाएगा। पटना से लोग आते हैं, यहाँ आकर सेटिंग करते हैं, ये क्या है? इसके अलावा इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा थी उसका प्रोसेस अभी रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 40,000 नौकरियां पाइपलाइन में है और यहाँ परीक्षाएं या तो रद्द हो रही है या उनका प्रोसेस रोक दिया जा रहा है। तो विरोधाभास है, सरकार को ही पता नहीं कि उसका एक आयोग कैसे काम कर रहा है। और जेएसएससी में लोग बैठे किस लिए हैं, क्यों बैठे हैं आखिर? करना तो खुद कुछ नहीं है, सारा काम आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे दिया गया है, और आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर जो देश भर में आरोप लग रहे हैं, इनका काम ही है परीक्षा में सेटिंग करना। आयोग को खबर हो चाहे ना हो, एग्जामिनेशंस में सेटिंग हो रही है और हर राज्य में हो रही है, बंगाल में हो रही है, राजस्थान में हो रही है,
छत्तीसगढ़ में हुई है, झारखंड में आरोप लगते रहे हैं, पिछले साल जेई की परीक्षा रद्द हो गई पेपर लीक के कारण, तो ये कौन कर रहा है? ये परीक्षा लेने वाली एजेंसियां कर रही हैं, और ये जेएसएससी की कमजोरी है। सरकारी तंत्र की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ लोग गलती सुधारने को, मानने को तैयार नहीं होते हैं, और एक गलती छुपाने के लिए गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। परीक्षार्थी कह रहे हैं कि जेएसएससी को भंग किया जाए। आखिर क्यों ना ऐसी मांग करें, आखिर जेएसएससी को क्यों नहीं भंग किया जाए? एक परीक्षा इससे कायदे से नहीं ली जाती है, सीजीएल की परीक्षा। बिहार जैसा राज्य जिससे अलग होकर झारखंड बना, यहाँ बैठकर हम लोग दिन रात बिहारियों को, बिहार को गाली देते हैं। वहां की परीक्षाएं हर साल होती हैं, नियमित रूप से होती हैं। एक दो परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें वहां भी आई है, लेकिन परीक्षाएं नियमित हो रही हैं, नौकरियां नियमित रूप से मिल रही हैं। यहाँ जैसा असंतोष नहीं है कि यहाँ पूरे हेमंत सोरेन के कार्यकाल में गिनती की नौकरियां मिली हैं 300-400, और पिछली जो नियुक्तियां थी जो कोर्ट में चली गई थी और जो रुकी पड़ी थी, उनका नियुक्ति पत्र देकर हेमंत सोरेन जी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हुए, 2012 में एग्जाम, उसके बाद 2016 में एग्जाम दे के रद्द कर दिया, 2019 में फॉर्म भरे हुए, हर एक साल हर एक महीना, कुछ महीना बाद अभी 14 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला था, पूरा तैयारी किए हुए थे कि चलो 14 अक्टूबर को फाइनली एग्जाम देंगे, डेट बढ़ गया, अब 16 दिसंबर को एग्जाम होने वाला। अब इससे पहले नगर पालिका का एग्जाम, और नगर पालिका का एग्जाम का जो हाल देखकर हम लोग तो पूरा ही डिमोटिवेट हो गए। अब तो लग रहा पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, जो 20 लाख 30 लाख फेंकेगा एक दिन में रात में पड़ेगा उसी का हो रहा। फिर हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं रात भर जाके, दिन भर जाके, गांव वालों का सुन करके, अरे अगर बेटिया पढ़ो, अगर पुतहिया पढ़ो, उन लोग का इग्नोर करके हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी ही राज्य की बेटियां जिनकी आप बात करते हैं, लड़कियों की, महिला उत्थान की, वे लड़कियां कह रही हैं कि गांव वाले हंसते हैं कि शहर में रह के ओकर बेटी पढ़ाई करे थो, ओकर बहू पढ़ाई करे थो, इस पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। जेएसएससी सीजीएल की जब पहली परीक्षा हुई थी तो जिन लड़कियों की उम्र उस समय 23-24 साल थी, आज वे 30 साल की हो गई, कईयों के तो दो दो बच्चे हो गए, शादियां तो बहुत पहले हो गई, लड़कों तक की शादियां हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, नौकरी का कोई अता पता नहीं है, परीक्षाओं तक का अता पता नहीं है। सिर्फ बोलने से, चुनौती देने से, विपक्ष को दोष देने से आप सत्ता में बने रह सकते हैं, अनपढ़ मतदाताओं को भरमा सकते हैं, लुभा सकते हैं, लेकिन राज्य का जो युवा जो इंटर तक भी पढ़ा है, नौकरी के लिए भटक रहा है, फॉर्म जिसने भरा है, उसको पता है कि क्या खेल चल रहा है। जेएसएससी को आखिर भंग कर देने में क्या बुराई है? और अगर भंग नहीं कर सकते हैं तो जेएसएससी में कोई हाईकोर्ट का रिटायर जज बैठा दीजिए, या जेएसएससी का पूरा जिम्मा हाईकोर्ट को हाथ जोड़कर कहिए कि सर आप ले लीजिए और अपने संरक्षण में, अपने नियंत्रण में परीक्षाएं करवाइए। वरना जो हालत है, रिटायर आईएएस अधिकारियों को वहां पद दिए जाते हैं, अक्षम डिप्टी कलेक्टर वहां बैठकर कलम घिसते हैं, और सचिवालय टाइप के बड़ा बाबू जो काम कम करते हैं, फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को आपने बैठा रखा है। फोन करते रहिए, जेएसएससी में कोई फोन नहीं उठाता है, गलती से कोई उठा लेता है तो कायदे का जवाब नहीं देता है। परीक्षाओं में रिजेक्शन लिस्ट एक बार जारी होती है, यहाँ 3-3 बार जारी होती है, और हर बार सूची लंबी होती जाती है। क्या चल रहा है? जेएसएससी का कोई माई बाप है कि नहीं, इसको कोई देखने वाला है कि नहीं, इसका कोई मॉनिटरिंग कोई करता है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। परीक्षाओं की तिथि निकलती है, विज्ञापन निकलते हैं, तारीखें बढ़ती हैं, कैंसिल होता है, नौकरी देने के अलावा सारा कुछ काम जेएसएससी में होता है। तो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से जब कोई पोस्ट होता है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, ट्रोलर्स की लाइन लगी है। हो सकता है इसमें कुछ भाजपा के हों, इससे इनकार नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर छात्र हैं, उनकी आईडी चेक कर लीजिए, नौकरियों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और ये लगातार हो रहा है, हर ट्वीट पर हो रहा है। ऐसा ही होता था जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, इसी तरह के ट्वीट्स पर उनके ट्रोल्स होते थे, तरह तरह की बातें होती थी, और उस समय भी छात्र और युवा कहते थे कि चुनाव आने दीजिए, आपको सबक सिखा देंगे। अब यही बात युवा कह रहे हैं कि 2024 आने दीजिए, आपको सबक सिखा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी, एक साल का समय है चुनाव आने में, और आपके सामने मौका है जेएसएससी जेपीएससी जैसी संस्थाओं को
टाइट कीजिए, फुल प्रूफ व्यवस्था कीजिए, बिना कदाचार बिना सेटिंग सुनिश्चित कीजिए कि ये सब बातें ना हो। सिर्फ कानून बना देने से अपराध नहीं रुकते हैं। कानून तो है कि अपराधों पर सजा मिलेगी, चोरी के लिए सजा है, हत्या के लिए सजा है, लेकिन फिर भी अपराध नहीं रुकते हैं। तो सिर्फ कानून बना देने से सेटिंग नहीं रुकेगी, आपको इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। जेएसएससी को बिल्कुल फुल प्रूफ एक एजेंसी बनाना होगा, और छवि जेएसएससी की खराब नहीं होती है। अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज यहाँ है कल वहां होंगे, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। आप आज यहाँ हैं, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी और राज्य के युवाओं के लिए भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और आप अगर सत्ता से बाहर हो गए, तो फिर वापस आने के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना होगा, और उसके बाद भी वापसी होगी या नहीं होगी यह भी कोई निश्चित और कोई भरोसे के साथ नहीं कह सकता है। तो सरकारी तंत्र पर लगाम लगाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए, और पूरा फोकस इस बात पर लगाइए। सिर्फ विपक्ष को दोष देने से आपकी स्थिति नहीं बदलने वाली है। युवा छात्र बेरोजगार हताश और निराश है, इसकी निराशा और हताशा को दूर करना आपका काम है। ये काम आपने कर दिया तो आने वाले चुनाव में आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। छात्र और युवा इंतजार कर रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं, आपके पास भी मौका है और शायद ये आखिरी मौका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।